जेल में बंद होने के बाद भी लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का बादशाह बना हुआ है। पूरी दुनिया में उसकी गैंग के आदमी मौजूद हैं। लॉरेंस बिश्नोई 2014 से ही सलाखों के पीछे है, जहां से वह बड़ी चतुराई से देश विदेश में फैला अपना क्राइम नेटवर्क चलाता है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया हो। लॉरेंस बिश्नोई ने देश भर में जुर्म और दहशत का एक ऐसा माहौल बनाया है जिसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई की आंखों में बिहार पूर्णिया से निर्दलीय और बाहुबली सांसद पप्पू यादव खटकने लगे हैं। अब उन्हें धमकी भरे कॉल तक आने लगे हैं जिसमें पप्पू यादव को कथित तौर पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने धमकी दी है। आपको धमकी देने की बात सामने आ रही है? हमको नहीं समझ में आता है कि क्या। भैया मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है। मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल जमीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उस पर मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ। आज पाकुड़ जाना था लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की, मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए, मैंने लिख दी। इससे जुड़ा ऑडियो भी वायरल हो रहा है। हमारा चैनल इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी जी पप्पू यादव जी जी एमपी साहब के। बताइए ना, बताइए मालिक, बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना, सोच समझ के बोलना चाहिए। भैया किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ, किसी के सही चीज के खिलाफ, जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई नहीं कोई भी दुश्मनी दुश्मनी ऊपर वाला। देखिए एक बात जानिए पप्पू, कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म कर लिए बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया। एक बात आसानी होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं। और उससे मतलब मेरे पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरे हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है। बात करते हैं पॉलिटिकली, उन्हें पॉलिटिकल ना ले, किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन
करने का मकसद यही था, सुधर जाओ नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र ना, हमें डिस्टर्ब करना। ओके ओके। बताया जा रहा है कि पप्पू यादव के भड़काऊ टिप्पणियों से लॉरेंस गैंग के गुर्गे नाराज हैं। पप्पू यादव के पीए को धमकी देते हुए गैंग के शूटर ने कहा कि उन्हें किसी के भी खिलाफ सोच समझकर बोलना चाहिए, आपके बिश्नोई भाई से क्या दुश्मनी है। बाद में वो धमकी देता है कि हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। इस पर उनके पीए कहते हैं कि वह 7 बार के सांसद हैं, तो इस पर कॉलर धमकी देता है कि एक बार फोन करने का मकसद यही था कि सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। बताया जाता है कि लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद पप्पू यादव की बोली बदल सी गई है, अब वो अपनी सुरक्षा को लेकर खासे चिंतित हो गए हैं। फिलहाल पप्पू यादव को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई है, मगर उन्होंने गृह मंत्रालय से मांग की है कि इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी का किया जाए। दरअसल बीते दिनों महाराष्ट्र के पूर्व दिग्गज मंत्री और सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या के तार लॉरेंस गैंग से जुड़े हैं, जिस पर पप्पू यादव ने लॉरेंस गैंग को आड़े हाथ लेते हुए जमकर सुनाया। इसके बाद से हालात ऐसे बदले कि पूरा मामला अब पप्पू यादव बनाम लॉरेंस बिश्नोई हो गया। बाबा सिद्दीकी की हत्या से भड़के पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी करार दिया था। पप्पू यादव यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगर कानून उन्हें इजाजत दे तो वह 24 घंटे में लॉरेंस गैंग को खत्म कर देंगे। एक कुख्यात अपराधी जेल में बैठकर लोगों को धमकी देता है, उनसे पैसे मांगता है, जान से मारने की धमकी देता है, कईयों को मौत के घाट उतार चुका है, बावजूद इसके सब मूक दर्शक बने हुए हैं। पप्पू यादव के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। पप्पू यादव के समर्थकों ने तो तक कहना शुरू कर दिया कि वह पुराने गैंगस्टर रहे हैं, लॉरेंस जैसे नए लोग उनके आगे नहीं टिक सकते। वहीं लॉरेंस समर्थकों का दावा है कि वो जब चाहे जिसे चाहे मौत के घाट उतार सकते हैं। बीते दिनों पप्पू यादव तो लॉरेंस गैंग को खुली चुनौती देते हुए मुंबई तक पहुंच गए थे, जहां उन्होंने बाबा सिद्दीकी के बेटे से मुलाकात की। उन्होंने खुद बताया कि वह सलमान खान से भी मिलने वाले थे, मगर वह शूटिंग में बिजी थे, इसलिए उनसे फोन पर बात की। इसके बाद से माना जाने लगा कि लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट कहीं सांसद पप्पू यादव तो नहीं बन गए हैं, जो अपने तीखे तेवर से गैंग को भड़काने का काम कर रहे हैं, मगर अब उनकी बोली ठंडी पड़ती नजर आने लगी है।